वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, आज मैंने कुछ गुलदावरी के प्लांट निकाले हैं जो कि मैंने कटिंग से लगाए थे और इसकी वीडियो भी मैंने आपको दी थी। तो मैं आज आपको इसके आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि ये कटिंग लगाने के बाद कैसा होता है और इसमें किस प्रकार की केयर की जाती है कि आपके गुलदावरी सर्दियों में खूब सारे फूल दें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये गुलदावरी के प्लांट है जो कि मैंने कटिंग से लगाए थे और इसकी वीडियो भी आपके पास है, तो आप जाके देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप अगर मेरा प्लांट देखें कि ये मैंने तीन प्लांट निकाले जो कि मैंने इस ग्रो बैग में लगाई थी, जो नर्सरी ग्रो बैग होती है काली कलर की। ये मैंने अभी तीन पौधे निकाले हैं, मेरे पास 100 से ऊपर पौधे हैं। मैंने आपको एग्जांपल के लिए केवल तीन पौधे निकाले हैं, जैसे कि मैंने ये ग्रो बैग में लगा रखे हैं। तो आप इनको ग्रो बैग में इनकी ग्रोथ देख सकते हो कि मैंने इतनी बढ़िया ग्रोथ ग्रो बैग में ही कैसे ली। किसी में एक पौधे हैं और किसी में दो पौधे हैं, तो मैंने इनकी टाइम से पिंचिंग कर दी थी। आप ये जैसे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने इसकी जो हेड होती है ये मैंने पिंच कर दी थी, तो ये अब बहुत सारे ब्रांचेस में ये ले चुका है और इसकी अब हाइट भी बहुत बढ़िया हो चुकी है। तो ये जैसे कि आप ये छोटा मेरा गुलदावरी का प्लांट देख सकते हैं जो कि थोड़ी मैंने लेट कटिंग लगाई थी। तो इसमें मैं आपको पिंचिंग के जो स्टेज होते हैं वो बता देता हूँ। तो ये करीब मेरा पौधा 10 इंची का है और तब मैंने इसको यहाँ से पिंच कर दिया है और आप देख सकते हैं पिंच करने के बाद इसमें एक दो और ये तीन और ये साइड से ये चौथी इसमें ब्रांच आ गई है जो कि फ्यूचर में हमें बहुत सारे फूल देगी। अगर आप इसको सिंगल ब्रांच ले आने देंगे तो इसमें फूल भी कम आएंगे और जो फूल के साइज़ हैं वो भी छोटे आएंगे। तो आप इसको टाइम टू टाइम पिंच करते रहें ताकि ये आपको ज़्यादा फूल दें। और इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा खाद की ज़रूरत नहीं है, कोई नीम केक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप घर में बनी हुई खाद, नहीं तो इसमें गोबर की खाद वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो सस्ते रूप में, वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं जो इसमें फर्टिलाइज़र देता हूँ उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि मैं इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देता हूँ। जैसे कि आप ये मेरे सामने देख रहे होंगे, ये मैंने खुद का बनाया फर्टिलाइज़र है, मैंने घर में खुद बनाया है। तो इसे आप भी बना सकते हैं। जो हम जो किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं और जो उससे वेस्ट लिक्विड निकलता है वो है ये। तो इसमें मैंने अभी तक पानी नहीं मिलाया है, जो कि और जो मैंने किचन वेस्ट भी बनाया था और उसमें भी मैंने पानी नहीं डाला था, तो ये उसका निकला हुआ एक्सट्रैक्ट है। मैं पानी मिला के तब इसमें पौधों में दूंगा। अगर आप ये दे सकते हैं तो आप ये दीजिए, वरना आप सरसों की खली भी दे सकते हैं। तो जैसे कि आप ये देख लेंगे सरसों की खली, तो मैं इन दोनों को 10-10 दिन के टाइम पे देता हूँ। अगर आपको सरसों की खली देनी है तो आप इसको 3 दिन बाल्टी में मिला के फर्मेंट के लिए छोड़ दें और तब इसमें 1 लीटर सरसों की खली का पानी और 10 लीटर नॉर्मल वाटर मिला के आप इनमें पौधों में डाल सकते हैं। तो मैं दोनों खादों को 10-10 दिन के गैप में देता हूँ, जिससे कि मेरे पौधे जो हैं वो इतने बढ़िया ग्रोथ ले चुके हैं। और इसका फ़ायदा आपको सर्दियों में मिलेगा, जितनी ज़्यादा इसमें ब्रांचेस आएंगी खाद के वजह से और आपकी केयर के वजह से, इसमें उतने ज़्यादा आपके फूल खिलेंगे। तो आपको ये लिक्विड कहीं और बाहर से कुछ और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आपने बहुत यूट्यूब चैनल देखे होंगे, वो अपनी खाद बेचते रहते हैं बेवजह, तो आप उनको ना ख़रीदें। आप इनको घर में बना सकते हैं जो कि आपको फ्री में भी बन जाएगा। खाद देने से पहले हम इसमें थोड़ी गुड़ाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें बहुत टाइम से गुड़ाई नहीं करी है, तो ये हार्ड हो चुकी है क्योंकि हमारे इधर बारिश हो रही थी। और आप जब भी खाद डालें तो वो बरसात के समय में ना डालें, क्योंकि हमारा जो खाद होता है उसमें फंगस लग सकती है। तो ये मैं अपने फ़िलहाल तीन ही इसमें गुड़ाई करके और इसमें हम अपना फर्टिलाइज़र डालेंगे। एक बकेट में करीब 1 लीटर पानी ले लिया है, क्योंकि हमारे तीन इसके लिए काफ़ी होंगे, तीन पॉट के लिए। तो इसको मैं अपने खाद को इसमें डाल देता हूँ थोड़ा सा, 100 ml के करीब। और तब आप ये देख सकते हैं जो हमारा ये मिक्सर तैयार हुआ है, हम इस मिक्सर को डायरेक्टली अपने जो पौधे हैं इसमें डाल सकते हैं। मैंने अपना ये खाद ले लिया है और इसमें हम अपना ये डायरेक्ट इसको ऐसे डाल देंगे। तो ये हमने अपना खाद जो है वो डाल दिया है। और अगर मैं आपको इसकी कुछ और टिप्स बताऊं गुलदावरी की, तो आप इसको टाइम टू टाइम पिंचिंग करते रहें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसको पिंच कर दिया था बीच से। तो इसमें ऊपर से आप देख सकते हैं कितने सारे नंबर ऑफ़ ब्रांचेस आई हैं। तो आपके जितने नंबर ऑफ़ ब्रांचेस आएंगे आपके फूल भी उतने ही ज़्यादा खिलेंगे।